गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जाहिर हो के अच्छे होंगे, मस्त होंगे और घर में होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं सो गया था ना यहाँ पर बीच वाले कमरे में, रात को अच्छी नींद आई भाई, बैठा रहा तो सो गए थे। तब तो सब ठीक कर दिया और नन्नू भैया भी उठ चुके हैं मेरे साथ, है नन्नू भैया? रात को उठकर आ गए मेरे पास, जाके सो गए नन्नू भैया, उनका चला दिया। पानी आ रहा है तो पानी हटते हैं अभी। बड़े भैया और उनकी मम्मी सो रही है तो मैं पानी भर देता हूँ, उठ जाता हूँ क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, पैसा खुल जाती है मेरी जल्दी। तो मैंने कहा चलो आज पानी करता हूँ, भरते हैं पानी। पानी दो तीन बाल्टी भर चुकी है क्योंकि एक्स्ट्रा भर के रखते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, हम तो नहाते रहते हैं भाई, हर एक आध घंटे पर कोई ना कोई चारों में नहाता रहता है, करते हैं ठीक है। उनकी मम्मी ने शाम को कपड़े धोकर रख दिए थे, यहाँ पर पानी वाली निकल चुका है, बस वहाँ पर जाकर सुखाने और जल्दी सूख जाएंगे भाई। शाम को कपड़े धोते थे ताकि आज उनको मालूम है कि पानी आएगा, तो पहले ही पानी से मीठा पानी से धो के रख दिए थे कपड़े। चलते थोड़ी देर में नन्नू भैया जा रहे हैं नहाने के लिए, कि पापा सबसे पहले मैं मकर में छोड़ूंगा क्योंकि ये भी बहुत नहाता है भाई हमारी तरह। हाँ तो देखा नन्नू उठा जी, देखो भाई नन्नू भैया जहाँ मर्जी फेंक के चले जाते। वाह भैया, अभी थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर दी, सफाई कर दी है, सुबह सुबह झाड़ू पोछा तो वाइफ करेंगे, अब इसको करते हैं इस वाले को सेटिंग। चलो भैया इस साइड का ये तो फायदा है शीशे का कि पर्दा खुलते के साथ ही पूरा लाइटिंग हो जाए। देखो मेरा कुछ नहीं जला रखा, लाइटिंग देखो फेस पे पूरी जबरदस्त वाली लाइटिंग आ चुकी है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, नन्नू भैया निकलेंगे फिर पानी चेक करते। चल रही नन्नू भैया हवा के मजे, अच्छी हवा चल रही नन्नू हैं, और ठंडी हवा चल रही है। ये देखो हमारा सूखा पेड़ कैसे ठंडी, वो देखो सामने फ्लैग भी दिख रहा होगा परछाई में आपको, बहुत मस्त हवा है, शुद्ध हवा लेनी चाहिए सुबह सुबह के टाइम। सो गाइस नहा चुके हम भी और साथ में नन्नू भैया, सबसे पहले नन्नू भैया नहाए हैं, है ना नन्नू भैया? नन्नू भैया नहाए हैं, उसके बाद मैं नहाया हूँ, पानी भर चुका है, अब उठाते दोनों माँ बेटों को, सो रहे हैं भाई वो दोनों ठीक है, अब उठाते उनको माँ बेटों को दोनों को, क्या कहते हैं मेरे ख्याल से नहीं उठेंगे अभी। आज सुबह को जिम भी जाना है 9 बजे, तो नाश्ता वास्ता करेंगे हल्का फुल्का। लाओगे नन्नू बाद में? लाओगे बाद में लेकर आएगा नन्नू भैया, बाद में कह रहे हैं। चलते हैं देखते उठाने की कोशिश करते हैं उनको। सुबह ये कह रहा पापा अभी नहीं उठूँगा, बाद में उठूँगा, और उनकी मम्मी कह रही थोड़ी देर और सो जाऊँ फिर बाद में उठती हूँ। नन्नू भैया गया पानी भरने के लिए बोतल, नन्नू ने सुबह से मेहनत का काम कर दिया, पानी भर दिया भाई सब ने, फ्रिज में लगा दी बोतल। नन्नू भैया भी मेहनती बन गए हैं हमारे, बड़े हो गए नन्नू भैया, बाहर चले गए छज्जे पे द्वार से। ये देखो हवा दिख रही होगी आपको क्या चल रही है। नन्नू भैया खा रहे आम और हम खा रहे खाटू श्याम जी के पेड़े। तुम लोग नहीं खाते भाई? तुम नहीं खाते पेड़े? कोई नहीं खाता घर में पेड़े भाई, कोई नहीं खा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ही खा रहा हूँ बस, कोई नहीं भाई। खाली पेड़े के अंदर मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने ले लिया एक कप दूध ठंडा, अब खाते हैं पेड़े और ठंडा दूध। खाना कौन सा? ये नन्नू भैया का हो गया, नन्नू भैया ने पूरी फैमिली की फोटो लगा रखी है, ये देखो पूरी फैमिली की फोटो लगा रखी है, मैं हूँ, ये नन्नू भैया हमारे जब घर में भैया। नन्नू भैया टीवी देखते हुए अपना वही टाइम पास, नाश्ता आ गया नन्नू भैया का। नन्नू भैया ठीक है, मस्त हो गया खाना ये नन्नू, देखो नन्नू स्माइल। आ गया हमारा भी नाश्ता सेम, तो नन्नू भैया को और हमारा सेम नाश्ता है, अब करते नाश्ता, भूख लग रही है भाई। तो आज छुट्टी के बाद कह रहे क्या खाओगे, तो आज मन कर रहा है आलू गोभी मसाले वाली, आलू गोभी मसाले वाली खाएंगे और खुशबू देखो किचन वहाँ पर है, तो यहाँ तो खुशबू आ रही, पंखा चला ना खींच रहा है, आज फैन नहीं चला रखा, बहुत बढ़िया खुशबू आएंगे, दिखाएंगे मसाले वाली गोभी, बहुत टाइम के बाद खा रहे भाई, खाएंगे मसाला गोभी आपको भी दिखाएंगे। आराम से लेट गए और देख रहे अपना टीवी, आराम से बैठ गए भाई, आराम से बैठ के टीवी देख रहे, और आज सुबह गए पीछे वाले कमरे में अपना तैयार होने जिम के लिए। ये देखो भाई खुशबू कितनी मस्त आ रही है, आलू गोभी मसाला बन रही है भाई, बहुत दिन का खाएंगे आराम से, मस्त हो गए।
कोई आंसू गिरने मेरे को कर दिया नंगा, कह रहे बाबा मेरे को ब्लैक वाले उसको ब्लैक ब्लैक टी शर्ट वगैरह कुछ भी हो ब्लैक बना दो भाई, इतना पसंद है वो। और रेड वाले मेरे को देखा कि रेड वाले आप पहन, मैंने बोला भाई पहन के चले वो भी अच्छी लग रही है, नहीं उसको ब्लैक ही पहननी है, ब्लैक 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 ब्लैक, अब हम पहनेंगे रेड 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 रेड। ये देखो भैया ने दे दी मेरे को रेड टी शर्ट, फिर आप पापा ये पहनो रेड, हमने पहन लिया भाई रेड टी शर्ट। आ गया हमारा खाना, देखिए मसाले वाली गोभी पूरी और कोक पानी बोतल। तो भाई आप चलते वीडियो बनाने के लिए, दो चार वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट करिए आप लोग और देखिए मस्त हो जाइए, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। मिलते हैं ब्लॉग बनाने के बाद, सॉरी वीडियो बनाने के बाद, वीडियो रील नीचे। और आशु भैया गए नीचे खेलने, जा रहे हैं क्या खेले, फुटबॉल पिज्जा पार्टी करेंगे ना, पहले देखते हैं ना, मम्मी से पूछते हैं, भैया से पूछते हैं पिज्जा करना है भाई, तीन दिन से है क्या पूछो, पिज्जा पार्टी। नन्नू के मुंह में दाल टपकती रहती है बात है नीचे यार, देखा नन्नू भैया किस पिज्जा की चले, अब यार नन्नू देखा भैया, नन्नू भैया की कॉमेडी, जा रहे नीचे और पिज्जा दोबारा खाना, दो तीन दिन से मोमो पिज्जा मैं जानता हूँ सही नहीं है खाने के लिए, बच्चों के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है, फिर भी ये कभी कभार होता है मोमोज पिज्ज़ा खाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन बच्चे भैया क्या बोले, पी लिए लस्सी और बनाते हैं वीडियो और देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू, मिलते थोड़ी देर में। सो गाइस वीडियो बना चुके हैं, अब देखिए इस बार चार वीडियो बनाई है, और जो मैंने पहले पाकिस्तान इंडिया पे बनाई थी और अब देखना अब चाइना पे बनाई है, बहुत मज़ा आएगा देखने में, मस्त लगेगा, देखिए और इन्जॉय करिए। तो लाइट वाइट जला देती है हमने अपनी कैंडल नाइट, मेरे को बहुत पसंद है लाइट जो है, ये छोटी हल्की हल्की लाइट जो होती है ना कमरे में बहुत पसंद है मेरे को, तो इसलिए जला दी कैंडल। सुबह पूजा वगैरह हो चुकी है, हम सुन रहे हैं माता रानी की आरती लाइव, वैष्णो देवी दिखाता हूँ मैं आपको, माता जी से लाइव चल रहा है लाइव, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं माता रानी के। सो गाइस बना चुके रील, देख लिया होगा आपने कैसी है, जरूर कमेंट्स में बता करो प्लीज यार, कमेंट्स में क्या क्या याद आपको बोल, अच्छा है बुरा जो मर्जी कमेंट्स भेजो, लेकिन कमेंट्स भेजो, मिलते थोड़ी देर में खाने के साथ डिनर के टाइम पर। नन्नू भैया डिनर बहुत बढ़िया है शरीर के लिए, खाइए। सो गाइस ब्लॉग को यही करते हैं एंड, फिर करते इसको एडिटिंग, मैं नहीं करूँगा भैया करेंगे एडिटिंग, जो करते भैया करते हैं एडिटिंग वगैरह, क्योंकि भैया उनको कहते पापा आप सो ब्लॉग बनाओ रील बनाओ और बाकी काम मैं एडिटिंग का मैं खुद करूँगा। तो भैया खाना पीना हो चुका है, अब चलते सोने, सुबह जाना है अपने ऑफिस, जो काम काज करना है, बी बच्चों को पालना है और मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, घर से होटल ऑफिस, ऑफिस से घर, ये काम करना भाई हमको तो, और वायरल करना आप लोगों का हाथ में है यूट्यूब फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे प्यार देते ही रहिए, थैंक यू।